हेलो एंड वेलकम बैक कैसे हो आप सब आई एम स्वाति एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय प्लेटफॉर्म सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट मॉनिटर्स मॉनिटर्स क्या होते हैं आपके मॉनिटर्स आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं और मॉनिटर्स में भी इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, आपने पुराने टाइम में देखा होगा यही नाइन्टीज़ के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे जो टी वग़ैरह आते थे आपके कंप्यूटर्स होते थे वो किस टाइप के होते थे वो कुछ इस टाइप के बने होते थे और यहाँ पर एक लंबा सा मोटा सा बक्सा होता था पीछे बॉक्स टाइप ठीक है तो बॉक्स शेप कंप्यूटर्स होते थे पहले तो ये जो बॉक्स शेप कम्प्यूटर्स थे इन्हीं में हमारा यूज़ होता था सी आर टी दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब ठीक है इसमें यूज़ होता था कैथोड रे ट्यूब तो कैथोड रे ट्यूब का काम क्या होता था कैथोड रे ट्यूब का काम क्या होता था इमेज बनाता था ये स्क्रीन पे यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट सो दिस वाज़ द वर्क ऑफ कैथोड रे ट्यूब और डिस्प्ले किससे बना होता था डिस्प्ले बना होता था आपका स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से जिनको हम पिक्सल्स भी कहते हैं राइट right? तो कैथोड रे ट्यूब होता क्या है कैथोड रे ट्यूब एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विज़ुअल सिग्नल्स पे अब विजुअल सिग्नल्स क्या होते हैं आपके विजुअल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोज़ पिक्चर्स इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो तो उसे ही हम बोलते हैं विजुअल सिग्नल्स अब होता क्या है सी में इस डिवाइस से इस सॉरी इस डिवाइस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम ठीक है वो होगा करंट में कन्वर्ट और फिर वो विजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा ऐसा सिग्नल जिसे हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं विजुअल सिग्नल जैसे कि फ़ोटोज़ पिक्चर्स और ये सब चीज़ें ठीक है तो अब हम देख लेते हैं कि सी क्या होता है और किस टाइप से काम करता है उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ और आउटपुट डिवाइसेस जो हमें पढ़ने हैं हमने स्टार्ट किया है आज मॉनिटर्स के साथ और मॉनिटर्स में भी हमने सबसे पहला पार्ट लिया है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटर्स फिर हम पढ़ेंगे प्लॉटर्स स्पीकर डिजिटल प्रोसेस प्रोजेक्टर अब आप बोलोगे कि प्रिंटर प्लॉटर स्पीकर क्या हम इसकी भी फंक्शनिंग पढ़ेंगे अंदर से नहीं आगे मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, बट सी जो है आपका ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैं आपको सी थोड़ा सा समझा रही हूँ एक बार सी समझ जाओगे तो आगे की भी फंक्शनिंग आपको काफ़ी आ जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ तो दिस इज अ सी आर टी दैट इज़ कैथोड रेट अब जो बी के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ऑक्सीलोस्कोप यूज़ होता था और उस ऑक्सीलोस्कोप में वेव फॉर्म सिखाई देती थी राइट right? वोल्टेज वाली फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म तो वो वेव फॉर्म बनती कहती कै कैसे थी उस ऑक्सीलोस्कोप पे? वो ऑक्सीलोस्कोप के अंदर होता था सी आर टी दैट इज कैथोड रे ट्यूब तो यहाँ से हम फंक्शनिंग देखते हैं सबसे पहले देखते हैं इसकी डिज़ाइनिंग पिन हीटर कैथोड ग्रिड प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एक्सलरेटिंग एनोड फोकसिंग एनोड वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स हॉरिजोंटल डायरेक्शन प्लेट्स फॉस्फोरस स्क्रीन ओके यहाँ पर होती है पिन और पिन के नीचे आपका बेस इससे हम पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं इन इनसे और पावर सप्लाई देते हैं यहाँ से आपकी पिन पर आएगी वोल्टेज राइट तो जिस पर वोल्टेज अप्लाई होगी सॉकेट में लगा के वो होती है पिन पिन बेस से कनेक्टेड है और बेस के आगे लगा हुआ है एक हीटर हीटर का काम क्या होता है जैसे ही मैंने वोल्टेज दी तो ये हीटर गर्म होना शुरू हो जाएगा इस रॉड के ऊपर एक कैथोड कवरिंग होती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हीटर है हमने यहाँ से पावर सप्लाई दी वोल्टेज तो हमने करा क्या कि ये जो वोल्टेज है वो सबसे पहले करंट में कन्वर्ट हो गई और करंट के बाद में कन्वर्ट हो गई वो विजुअल सिग्नल्स में ऑल राइट right, तो पिन से आपका हमने हीट अप करा जैसे ही हीट किया तो यहाँ पर जो हीटर है वो हीट अप हो जाता है हीट अप हो गया ये जो रॉड है उसके ऊपर लगा होता है आपका कैथोड सो so, ये कैथोड क्या होता है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज तो जैसे ही ये रॉड जो है गर्म होगी आपका कैथोड भी गर्म होगा और हम सभी को पता है जैसे ही कैथोड गर्म होता है उसके बाद में ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा ये कैथोड राइट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो वो कभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे कुछ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएंगे कुछ यहाँ जाएंगे कुछ यहाँ जाएंगे तो लगी होती है आगे एक ग्रिड इस ग्रिड का क्या काम होता है ये ग्रिड इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस प्रोवाइड करती है और दूसरा काम क्या होता है इस ग्रिड का कि ये इसको एक डायरेक्शन प्लस स्पीड प्रोवाइड करती है अब ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इस स्क्रीन तक पहुँच जाए तो बीच में हमारी प्लेट्स लगी होती हैं फोकसिंग एनोड एक्सलरेटिंग एनोड ये सब लगा होता है तो इसको वो प्रोवाइड करवाता है स्पीड ऑल right, तो ग्रिड के दो मेन फंक्शन हो गए आपके पास पहला कि ये इसको डायरेक्शन या फिर फोकस प्रोवाइड कराता है आपकी इलेक्ट्रॉन बीम को और दूसरा फंक्शन हो जाता है कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम को क्या सप्लाई करता है स्पीड प्रोवाइड करता है जैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके आगे गए तो ये आते हैं फिर प्री एक्सेलरेटिंग एनोड के थ्रू पास होते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या होता है एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये क्या करेगा ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा तो जिससे होगा क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ठीक है जैसे ही स्ट्रेट लाइन में गए तो दूसरा काम इसका क्या है कि इनकी स्पीड को एक्सलरेट कर देगा जो इनकी स्पीड पहले थी उससे भी ज़्यादा स्पीड कर देगा ये प्री एक्सलरेटिंग एनोड उसके बाद में जाते हैं ये फोकसिंग एनोड अब कई बार क्या होता है स्पीड आपने प्रोवाइड करी तो एकदम से इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर चले गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो उनको एक डायरेक्शन में फोकस करता है एक लाइन में फोकस करता है फोकसिंग एनोड उसके बाद में ये आगे गए और फिर क्या होगा इनकी स्पीड को और बढ़ा देगा ये एक्सलरेटिंग एनोड ठीक है उसके बाद में क्या करेगा एक्सलेरेटिंग एनोड इनकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देगा और अगर आपसे पूछें कि फोकसिंग एनोड क्या है तो प्री एक्सलरेटिंग एनोड जो है आपका उसको हम फोकसिंग एनोड भी बोलते हैं ठीक है ये एक पाथ प्रोवाइड करवाता है प्लस एक स्पीड को इन्हांस करता है फिर आगे जाते हैं हम हमारे पास दो प्लेट्स आती हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट तो जब आपकी इलेक्ट्रॉन्स बीम आगे गई तो अब इनको स्क्रीन पे जाना है तो स्क्रीन पे किस तरीके की वेव फॉर्म या फिर पिक्चर कैसी बननी चाहिए मतलब ऊपर पिक्चर बनेगी या फिर नीचे बनेगी ऊपर के भी राइट साइड बनेगी या ऊपर के लेफ्ट साइड बनेगी ये डिस्कस ये जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट्स या फिर आप वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स बोल सकते हैं या फिर हम इनको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी बोलते हैं कई बुक्स में डिफ्लेक्शन दे रखा है और कई बुक्स में दे रखा है डायरेक्शन प्लेट्स अब आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ तक आ गई है राइट इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ तक आ गई है आपकी अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर पास कर दें और इधर पास कर दें वो ऐसे कि हमने जो इसका चार्ज है राइट right? जो इसका पॉलराइजेशन है जो इसका चार्ज है तो उसको कर दिया है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं नेगेटिव, और आपको पता है पॉजिटिव एट्रैक्ट्स नेगेटिव तो ये बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू योर इलेक्ट्रॉन चार्ज तो इसका चार्ज हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जैसे ही हमने इसका चार्ज बढ़ाया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए तो अगर इनको ऊपर जाना है तो ये यहाँ पर वर्क करेगा और ये ऊपर चले जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है आप इसमें अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ चले जाएंगे ठीक है यहाँ से अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स गए फिर आती है हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम को अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन देती है ठीक है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन uh, में डिफ्लेक्ट कर देती है इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के ऊपर अब फिर आती है हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ये इलेक्ट्रॉन बीम को राइट right या लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है क्या वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स अप और डाउन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स राइट और लेफ्ट राइट तो जब ये यह यहाँ पर आएंगी इलेक्ट्रॉन्स तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को राइट right में डिफ्लेक्ट कर देगा राइट right? और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देगा और इसके बाद हमारी बन जाएगी एक पिक्चर या फिर कोई वेव फॉर्म या फिर कुछ भी जो भी आप देखना चाहते हो मूवीज़ देखते हो इस टाइप इस तरीके से जो है आपका डिस्प्ले होता है उसमें अब जो आपकी ये ग्लास की कोटिंग है ग्लास कवर है आपका तो इसके ऊपर एक एक्वाडॉग डॉग की कोटिंग होती है किसकी कोटिंग इक्वाडाग जस्ट अ मिनट सो ये है एक्वाडाग की कोटिंग इसके ऊपर हो रखी होती है एक्वाडाग की कोटिंग क्यों होती है अब जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी इस डायरेक्शन में चले गए कुछ इस डायरेक्शन में चले गए कुछ इस डायरेक्शन में चले गए तो उनको वापस से ये कोटिंग उनको वापस से डिफ्लेक्ट करके अपने पाथ के अंडर ले आती है अपने पाथ में ले आती है तो इसलिए ये कोटिंग करी जाती है फिर आके जाके ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं इस स्क्रीन के ऊपर जो कि एक फॉस्फर स्क्रीन है फॉस्फरस स्क्रीन है और ये फॉस्फरस स्क्रीन जो है ये कोटेड होती है फॉस्फोरस से ठीक है सो so, यहाँ पर जाके जब ये स्ट्राइक करेंगे तो इमेज जो है आपकी डिस्प्ले हो जाएगी आपके सी के ऊपर सो so, ये जो स्क्रीन uh, है इसमें मेटल कौन सा यूज हुआ है इसमें मेटल यूज हुआ है जिंक सल्फेट या फिर जिंक टंगस्टन या फिर जिंक ऑक्साइड इन तीन मेटल्स में से कोई मेटल जो है इसमें यूज होता है जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फेट या फिर जिंक टंगस्टन। ऑल राइट जो कैथोड है आपका ऑफ निकल सिलेंडर वो कोटेड होता है एन ऑक्साइड के साथ ठीक है दूसरा इलेक्ट्रॉन गन आपसे पूछी जा सकती है इलेक्ट्रॉन गन कौन सी होती है तो हीटर प्लस कैथोड प्लस ग्रिड ये आपकी होती है इलेक्ट्रॉन गन कौन कौन सी हीटर प्लस कैथोड प्लस ग्रिड कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन गन है वो इन्होंने हीटर कैथोड ग्रिड और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड को भी इसमें शामिल कर रखा है तो एक ही बात है आपको याद रखना है बेसिक काम क्या है इस इलेक्ट्रॉन गन का कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं बहुत हाई स्पीड से ठीक है इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं एक हाई स्पीड से एक डायरेक्शन में सो दिस इज़ द वर्क ऑफ योर सीआरटी सीआरटी कैसे काम करता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको फ्लैट बेड मॉनिटर्स आपका एलईडी, एलसीडी स्क्रीन ये सब मैं कराने जा रही हूँ सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहला ग्रिड क्या काम करता है फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को और गिव करता है स्पीड इनको दूसरा प्री एक्सलैटिंग एनोड इसको फोकसिंग एनोड भी हम बोलते हैं ये क्या करेगा एक पाथ प्रोवाइड करता है दूसरा स्पीड प्रोवाइड करता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ये डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को अप या डाउन डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ये डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को राइट right या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे आई होप यू विल इन्जॉय दिस वीडियो एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय